नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 7 दिन पूजा करके शरीर से काली माता को निकालने का दावा कर महिला को लूटने वाला बोंदू बाबा पहुंचा जेल। 12 लाख से अधिक कीमत के सोने के दागिने हुए बरामद। मानिकपुर पुलिस थाने की क्राइम यूनिट की बेहतरीन कामगिरी। वसई की मणिकपुर पुलिस क्राइम यूनिट ने एक ऐसे आरोपी बोंदू बाबा को हिरासत में लिया है जो खुद को बाबा बताकर शरीर में काली माता के आने का कहकर लोगों को लूटता था। इस आरोपी बोंदू बाबा ने पिछले 4 सालों में वसई से लेकर विरार, ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, गुजरात के वापी इन क्षेत्रों में कई लोगों को मूर्ख बनाकर 301 ग्राम लगभग 12 लाख कीमत के सोने के आभूषण लूट लिए थे। आपको बता दें, 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के दौरान आरोपी बोंदू बाबा ने वसई रेलवे स्टेशन पूर्व में एक महिला को शरीर में काली माता आती है, 7 दिन पूजा करके घर का दोष मुक्त कर दूंगा, ऐसा कहते हुए महिला के साथ लूट अंजाम दी थी। जिसकी शिकायत पर वसई मणिपुर पुलिस क्राइम यूनिट ने आरोपी बोंदू बाबा, जिसका नाम नूर अजीजुल्लाह सलमानी बताया गया है, को मीरा रोड पूर्व से हिरासत में लिया और पूछताछ की तो आरोपी बोंदू बाबा ने वारदात कबूल करते हुए वसई, विरार, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, वापी आदि जगह कारनामा अंजाम देने की बात कही। पुलिस जांच में आरोपी ने 3 अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज गुनाह कबूल करते हुए वहां का लूटा हुआ 12 लाख का सोना पुलिस को सुपुर्द किया। इस बोंदू बाबा की गिरफ्तारी में मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के जोन 2 DCP संजय पाटिल, वसई SCP प्रदीप गिरधर के मार्गदर्शन में मणिकपुर पुलिस निरीक्षक भाव साहब अहेर के निर्देशन में क्राइम यूनिट के सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन सानापुर उनकी टीम ने योगदान करते हुए अच्छी कामगिरी अंजाम दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।